Good morning and happy new year to everyone watching this. So हम जा रहे हैं रोहतक अटल टनल एंड ये है जाम. मनाली से लेकर अटल टनल तक आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स थे, बट हम सुबह के चले हुए शाम तक पहुँचे ऊपर और रात को घर पहुँचे. इतना रश था, बार बार जाम लग रहा था बिकॉज टूरिस्ट वर इंजॉइंग एंड बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था. हम ऊपर पहुँचे मतलब अराउंड 1 or 2 किलोमीटर्स बाद लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि वापस मुड़ जाओ, बट फिर भी हम पहुँचे. एटलीस्ट कुछ नहीं, थोड़ा सा टच करके भी आगे पर हम चले गए थे. एंड वी वर वेरी हैप्पी व्हेन वी रीच्ड ओवर देयर एंड टाइड टू. आफ्टर क्रॉसिंग अटल टनल हम वहाँ पे पहले तो क्रॉस करने नहीं दे रहे थे, सिर्फ हिमाचल की गाड़ियों को क्रॉस करने दिया.
और जैसे हम वहाँ क्रॉस करके पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 मिनट फ़ोटोज़ खींच रहे, क्लिक करने को दी, बाकी वापस भेज रहे थे, ज़्यादा टाइम रुकने नहीं दे रहे थे क्योंकि टूरिस्ट भी काफ़ी थे। जैसे हम वापस पहुँचे तो हमें 2-3 घंटे तो हम जाम में ही थे और इतना जाम लगा हुआ था। बट पर्सनली सेइंग, कभी भी आना है तो सीज़न टाइम में कभी मनाली या कोई भी प्लेस मत प्रेफर करो क्योंकि इतना रश होता है कि यू कांट इवन एंजॉय। सो कभी मत जाओ सीज़न टाइम में, कभी भी कहीं भी। हमारा D3 का जितना भी जो भी ब्लॉग है ये सारा गाड़ी में निकला, मतलब वी वर इन ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। हम रात को घर पहुँचे, वापसी में तो कुछ ज़्यादा ही जाम नहीं मिला, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हाँ ये बोल सकती हूँ कि इन्जॉय तो किया। इतना रश पर थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाती है, बाकी ठीक है। इट वॉज ऑल ओवर, इट वॉज गुड। मुझे लग रहा है।